हाय, गुड मॉर्निंग। फिर से आप लोगों के बीच में मैं अपना ये केमिस्ट्री का जो अगला पोर्शन है हमारा केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन में उसको लेकर के आप लोगों के बीच में मौजूद हूँ। हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बहुत अच्छे से समझने का प्रयास किया था। उससे रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज होंगे आप कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, मैं उसका आंसर करने का प्रयास करूंगा। अगला जो हमारा टॉपिक है उसमें वो है हमारा केमिकल इक्वेशन। क्लास नाइन्थ में भी हम लोगों ने केमिकल सिंबल्स के बारे में पढ़ा था, ये समझा था कि कोई केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, उसके लिए हमें वैलेंसीज लर्न करने की जरूरत थी कि किसी भी एलिमेंट की अगर वैलेंसी याद होगी तो कोई भी केमिकल फॉर्मूला हम इजिली बना सकते हैं। उसके अलावा हम आयन्स के थ्रू भी बना सकते हैं, अगर आयन के बारे में जानकारी हो कि पॉजिटिव आयन है तो कितने हैं या निगेटिव आयन है तो कितने हैं तो उससे भी बना सकते हैं। तो केमिकल इक्वेशन आप लोगों ने जनरली देखा होगा इस तरीके के केमिकल इक्वेशन को अपने आसपास में, जैसे यहाँ पे एक है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट होकर के वाटर बना रहा है, तो ये केमिकल इक्वेशन है। हम लोग अक्सर इक्वेशन जो वर्ड है वो हम लोग मैथमेटिक्स में यूज करते हैं, और उस मैथमेटिक्स में हम लोगों ने देखा है कि किसी भी इक्वेशन का एक क्राइटेरिया होता है कि किसको हम लोग इक्वेशन कहेंगे। तो इक्वेशन कहने के लिए किसी भी इक्वेशन से दो पार्ट होंगे, एक LHS होगा यानी लेफ्ट हैंड साइड, एक RHS होगा यानी राइट हैंड साइड, और बीच में उनके इक्वल के मार्क्स होंगे। जब ये क्राइटेरिया कंप्लीट होगा तब हम कह सकते हैं कि वो एक इक्वेशन है। वैसा ही यहाँ पे केमिकल इक्वेशन के रूप में भी हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो केमिकल इक्वेशन होने के लिए भी जरूरी है कि एक रिएक्टेंट हो, एक प्रोडक्ट हो, और बीच में एरो हो या इक्वल का मार्क्स हो जो बताए कि रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में किस तरीके से चेंज हो रहे हैं। तो केमिकल इक्वेशन क्या है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा इसका डेफिनेशन जान लेते हैं। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूला इज कॉल्ड द केमिकल इक्वेशन। तो ये शॉर्ट हैंड, जैसे शॉर्ट हैंड का कोर्स कराया जाता है जिसमें हम लोग किसी सिंबल के थ्रू किसी को सिंबलाइज करके अपने सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं, वैसे ही सिंबल्स के थ्रू फॉर्मूलाज के थ्रू अगर हम किसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसको हम लोग कहते हैं केमिकल इक्वेशन। जैसे एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, एग्जांपल ले लेते हैं कि जिंक रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। अब कैसे इसको भाई बताएंगे, तो कह रहा है कि इसको वर्ड इक्वेशन में चेंज किया। पहले बताया जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, उन्होंने क्या बनाया जिंक सल्फेट बनाया और उसमें से क्या निकला हाइड्रोजन गैस निकला। अब इसको सिंबल से और फॉर्मूलाज के मदद से लिखेंगे, तो जिंक का सिंबल क्या होता है Zn, सल्फ्यूरिक एसिड का क्या होता है H2SO4 और जिंक सल्फेट का ZnSO4। ये हम लोगों ने क्लास नाइन्थ में सीखा था कि कैसे कोई फॉर्मूला हम लोग बनाएंगे और इसमें से क्या निकल रहा है हाइड्रोजन गैस निकल रही है। अब ये जो हमारा इक्वेशन जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये इक्वेशन हमारा कहलाता है केमिकल इक्वेशन। तो ये हमारा केमिकल इक्वेशन हो गया। अब केमिकल इक्वेशन की बात करें तो केमिकल इक्वेशन जो होते हैं, केमिकल इक्वेशन विल फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्लास नाइन्थ में पढ़ा है आप लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब होता है मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। जो रिएक्टेंट के मास होंगे वो प्रोडक्ट के मास के बराबर होंगे, उनमें कोई भी किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो कोई चीजें नहीं बनती हैं ना कोई चीजें डिस्ट्रॉय होती हैं, तो उस तरीके से वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है। तो यहां पर अगर हम इस रिएक्शन को देखें, ये जो जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जिंक एक है, रिएक्टेंट साइड में प्रोडक्ट साइड में कितना है एक है, हाइड्रोजन कितना है दो है, यहां भी हाइड्रोजन दो है, सल्फर एक है यहां भी सल्फर एक है, ऑक्सीजन चार है यहां भी ऑक्सीजन चार है, यानी दोनों तरफ जो एलिमेंट के नंबर है या जो मासेस है वो क्या है बराबर है। इसका मतलब क्या है ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो कोई भी केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड इक्वेशन कहलाएगा जब वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगा। तो जितने भी केमिकल इक्वेशन होते हैं वो सभी के सभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करते हैं। अब इसके ऊपर में हम इनको दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर देते हैं, एक को कहते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन और एक को कहते हैं
अनबैलेंस्ड इक्वेशन, अनबैलेंस्ड इक्वेशन। तो बैलेंस इक्वेशन एंड अनबैलेंस्ड इक्वेशन, तो बैलेंस इक्वेशन क्या होंगे, जिनमें मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। जैसे ये वाला रिएक्शन है हमारा, जिंक वाला रिएक्शन हम लोगों ने यहां पे ले लिया, तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन का एग्जांपल हो जाएगा। अनबैलेंस क्या होगा, मास ऑफ रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के मास के बराबर नहीं होगा। जैसे जो स्केलेटन रिएक्शन है, हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म H2O। अब यहां पे देख लीजिए, ये रिएक्टेंट है और ये हमारे प्रोडक्ट है। अब दोनों के मासेस को कंपेयर कर दे तो दोनों में ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, दोनों तरफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। यहां पे हाइड्रोजन कितना है, 2, ऑक्सीजन कितना है, 2, यहां पे हाइड्रोजन कितना है, 2, और ऑक्सीजन कितना है, 1। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है तो कोई सब्सटेंस डिस्ट्रॉय भी नहीं होगा। अगर यहां पे ऑक्सीजन की मात्रा 2 है तो यहां भी ऑक्सीजन की मात्रा 2 होनी चाहिए, देयर मस्ट बी ऑक्सीजन नीडेड टू बी 2, बट देयर इज 2 ऑक्सीजन एंड हेयर इज ओनली 1। सो दिस इज कॉल्ड द अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड दे आर नॉट फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, हम लोग अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अगर कोई अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है तो पॉसिबल नहीं है कि कोई भी इस तरीके का इक्वेशन बने। तो जब इस तरीके का इक्वेशन अगर होगा तो उसे हमें क्या करना होगा, उसे हमें बैलेंस करना होगा, और बैलेंस करने के क्या क्या स्टेप्स हैं वो हम अभी जानने की यहाँ पे कोशिश करेंगे कि किस तरीके से किसी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट किया जाएगा। तो हमारे केमिकल इक्वेशन कितने तरीके के हो गए, 2 तरीके के हो गए, एक हो गया बैलेंस इक्वेशन और एक हो गया अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। चलिए हम लोग बात करते हैं कि बैलेंस और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन में से अगर अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन होगा तो उसे किस तरीके से बैलेंस करेंगे, लेट्स सी। है बैलेंसिंग ऑफ ए बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन। तो अलग अलग स्टेप्स हैं, अलग अलग तरीके से उनको हम लोग फॉलो करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। तो यहां पे हम लोग केमिकल, तो यहां पे बैलेंस करना है केमिकल इक्वेशन को, और उसके लिए कुछ स्टेप्स हमें फॉलो करने होंगे। जैसे सबसे पहला हमारा स्टेप्स क्या होगा, टू राइट स्केलेटन इक्वेशन क्या है, यानी रॉ, उसमें ये नहीं पता है कि कितने हाइड्रोजन या कितने ऑक्सीजन या कितना कोई भी एलिमेंट किसी केमिकल रिएक्शन में भाग ले रहा है। जैसे हमने कहा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या बना दे रहे हैं, वाटर बना दे रहे हैं, तो उसमें हमको सीधे सीधे लिख देना है H2 प्लस O2 और H2O। तो ये एक अनबैलेंस इक्वेशन हो गया, लेकिन इसको हम लोग कहते हैं स्केलेटन इक्वेशन। तो यहां पर स्केलेटन इक्वेशन लिखना है, उसके बाद क्या करना है, टू राइट द नंबर टू नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ साइड ऑफ एलिमेंट्स। जो भी एलिमेंट किसी केमिकल रिएक्शन में भाग ले रहे हैं वो कितने उनके एटम्स है, यानी रिएक्टेंट साइड में कितने हैं, प्रोडक्ट साइड में कितने हैं, उन दोनों को एक साथ एक जगह पे लिख लेना है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद स्टार्टिंग इक्वेट
द नंबर ऑफ एलिमेंट एलिमेंट्स वन बाय वन विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर। ठीक है, दोनों तरफ के जो एलिमेंट्स हैं हमारे, एक एक करके उन एलिमेंट्स को हम लोग इक्वल करना स्टार्ट करेंगे। और उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसमें ऐड नहीं करेंगे, उसमें सब्स्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, उसमें हम लोग केवल मल्टीप्लाई करेंगे नंबर्स को। यानी टू है, टू मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या फोर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या थ्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इस तरीके से नंबर को मल्टीप्लाई करके उन एलिमेंट्स को बैलेंस करने का प्रयास करेंगे। तो एक एक एलिमेंट को, पहले एक एलिमेंट को बैलेंस किया, फिर दूसरे को करेंगे, फिर तीसरे को करेंगे, फिर चौथे को करेंगे, इस तरीके से करेंगे। और लास्ट में क्या करेंगे, अगर कुछ गैसेस है, गैसेस लाइक नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, बैलेंस्ड एट लास्ट, अगर कुछ एलिमेंट्री गैसेस हैं हमारी किसी केमिकल रिएक्शन में, तो उनको हम लोग लास्ट में बैलेंस करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले करेंगे, तो यहां पे हम लोगों ने चार स्टेप्स लिख लिए हैं। अब इन चार स्टेप्स के थ्रू हम लोग देखेंगे कि भाई किस तरीके से हम किसी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर पाते हैं। एक एग्जांपल आपके सामने, एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल मैं आप लोगों के सामने में दे रहा हूं। जैसे हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, ये एक स्टेटमेंट है। अब इस स्टेटमेंट को हम लोग वर्ड इक्वेशन में लेकर के जाएंगे। तो वर्ड इक्वेशन में क्या होगा, ये होगा हमारा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन दे फॉर वाटर। अब ये वाटर बन गया, तो हाइड्रोजन का क्या होता है H2 प्लस O2, और ये क्या बना दिए H2O बना दिए। तो अब यहां पे हम लोग जब देखेंगे, तो ये हमारा पहला स्टेप हुआ, राइट द स्केलेटन इक्वेशन। तो यहां पे हम लोगों ने स्केलेटन इक्वेशन लिख दिया। अब दूसरा स्टेप है हमारा कि राइट द नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ साइड ऑफ द एलिमेंट। तो ये है हमारे रिएक्टेंट और ये है हमारा प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट है, ये हमारे प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट में क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। प्रोडक्ट में भी क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। तो आप देखते हैं रिएक्टेंट में कितने हाइड्रोजन, दो। ऑक्सीजन कितने, दो। प्रोडक्ट में कितने, दो। और ऑक्सीजन कितना, वन। यानी ये एक अनबैलेंस इक्वेशन है, यहां पे दो है और यहां पे एक है। तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा, इसे हमें बैलेंस करना पड़ेगा। और बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए यहां पे ऑक्सीजन दो है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि किसी केमिकल रिएक्शन में कोई भी एलिमेंट ना डिस्ट्रॉय हो सकता है, ना उसकी जगह पे कोई नया बन सकता है। तो यहां पे दो अगर भाग ले रहे हैं ऑक्सीजन, तो दे मस्ट बी टू इन द प्रोडक्ट साइड। तो यहां पे अगर दो भाग ले रहे हैं, तो कम से कम दो ही होने चाहिए प्रोडक्ट साइड में भी। लेकिन यहां पे कितने हैं, यहां पे एक रह गया। यानी एक केमिकल इक्वेशन कैसा है, अनबैलेंस है, और ये केमिकल इक्वेशन रिएक्शन का होना पॉसिबल नहीं है। तो इसको पॉसिबल बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको हम लोग बैलेंस करेंगे। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां पे टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे एक ही प्रोडक्ट बन रहा है H2O, और H2O में ऑक्सीजन है। तो इस पूरे H2O में टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई विद टू इंटू H2O। तो अब क्या हो जाएगा, अब देखिए H2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2H2O। अब देख लेते हैं, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है यहाँ पे, और हाइड्रोजन कितना, दो। ऑक्सीजन कितना, दो। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया, चार, और यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया दो। तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन जब किसी केमिकल रिएक्शन में कोई चीज कम नहीं हो सकती, तो कोई चीज ज्यादा भी नहीं हो सकती। यहाँ पे आप देखिए हाइड्रोजन दो था और यहाँ पे कितना हो गया, चार। तो अब इस हाइड्रोजन को रिएक्टेंट साइड में क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, टू मल्टीप्लाई टू इंटू H2O ऑन रिएक्टेंट साइड।
इस रिएक्टेंट में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अब क्या हो जाएगा, 2H2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2H2O। अब देख लीजिए हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हो गए 4, ऑक्सीजन हो गया 2, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन कितने हो गए 2, और ये क्या हो गया, ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया, 2H2 प्लस O2 2H2O, ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया, इट्स अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो इस तरीके से हमने केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर लिया। तो ये एक मैंने आपको एग्जांपल देकर के बताया, ये स्टेप्स यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं, इनके थ्रू आपके बुक में बहुत सारे ऐसे केमिकल इक्वेशन दिए हुए हैं जो अनबैलेंस है, उनको आप बैलेंस करने का प्रयास करिएगा। अगर बैलेंस नहीं हो पाता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में उन इक्वेशंस को लिख करके भेज दीजिएगा, मैं आपको बैलेंस करके यहाँ पे बताने का भी प्रयास करूंगा, या आपको मैं रिप्लाई कर दूंगा उसको बैलेंस करके। यहाँ पे सारे क्वेश्चंस को बैलेंस करना काफी मुश्किल हो जाएगा, काफी लंबा वीडियो हो जाएगा, तो आप लोग वहां पे पढ़िएगा और जो भी प्रॉब्लम्स होंगे वो मेरे को बताइएगा, ठीक है। ठीक है, तो वहां पे हम लोग देखेंगे। तो इस तरीके से हम लोग किसी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं अपने। चलिए अगला टॉपिक जो है हमारा वो है कि हाउ टू मेक अ केमिकल रिएक्शन मोर इंफॉर्मेटिव, टू मेक ए केमिकल रिएक्शन केमिकल रिएक्शन मोर इंफॉर्मेटिव, टू मेक अ केमिकल रिएक्शन मोर इंफॉर्मेटिव। किस तरीके से इंफॉर्मेशन, किसी केमिकल रिएक्शन को देख करके ही अगर हमें सारी जानकारी मिल जाए तो ये कितना अच्छा हो। अगर हम कहीं जाते हैं और हमें किसी जगह की तलाश करनी है और एक ही जगह से अगर सारी जानकारी मिल जाए कि हमें कैसे पहुंचना है, कितना ऑटो का भाड़ा लगेगा, या और क्या सुविधाएं मिल सकती हैं उस रास्ते पे जाने के लिए, अगर एक ही जगह से सारी चीजें मिल जाए तो हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा। तो किसी केमिकल रिएक्शन में अगर हम लोग उस इक्वेशन के थ्रू ही अगर ये सारी बातें बता दें कि उस केमिकल इक्वेशन में क्या क्या चीजें हो रही हैं, क्या घटनाएं घट रही हैं, तो ये सब कुछ अगर एक जगह से हमें पता चल जाए तो उस केमिकल रिएक्शन को हम लोग कहते हैं कि ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, यानी सारे जो इंफॉर्मेशन है उससे रिलेटेड वो सभी के सभी उसी जगह पे मौजूद है। तो इसको हम लोग इंफॉर्मेटिव तीन तरीके से बना सकते हैं। एक जो है वो है हमारा टू रिप्रेजेंट, टू रिप्रेजेंट द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। दूसरा है बाय इंडिकेटिंग हीट चेंजेस, एंड थर्ड कंडीशन ऑफ रिएक्शन। तो ये तीन जो हमारे स्टेप्स हैं इनके थ्रू से हम लोग किसी केमिकल इक्वेशन को इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं, यानी उसको ज्यादा से ज्यादा सूचना देने लायक बना सकते हैं। तो पहला है फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट क्या होते हैं, द स्टेट इन विच एलिमेंट्स आर प्रेजेंट। कह रहे हैं कि वो स्टेट जिसमें कोई भी एलिमेंट या कंपाउंड जो है वो मौजूद होता है उसको हम लोग कहते हैं उसका फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट चार होते हैं, एक होता है सॉलिड स्टेट, तो इसको हम लोग ब्रैकेट में लिख देते हैं एस, तो एस फॉर सॉलिड स्टेट। दूसरा होता है लिक्विड स्टेट, इसको हम लोग लिख देते हैं एल। तीसरा होता है गैसियस स्टेट, तो इसको हम लोग लिख देते हैं जी। चौथा होता है हमारा एक्वस स्टेट, इसको लिख देते हैं ए क्यू। अब यहां पे थोड़ी सी कंफ्यूजन आपके मन में आएगी कि लिक्विड और एक्वस में क्या अंतर है। अब लिक्विड
लिक्विड यानी जिसके अंदर में फ्लूइडिटी हो, जो फ्लो कर सके, उसको हम लोग कहें लिक्विड। लेकिन अगर कोई एक्वस की जब बात करते हैं, यानी उसको हम लोगों ने किसमें डिजोल्व किया है, पानी के अंदर डिजोल्व किया है, तो कोई ऐसा सोल्यूशन जो कि पानी में बना हुआ है उसे एक्वस कहेंगे हम लोग। एक्वा का मतलब ही होता है पानी। तो अगर उसमें वाटर मौजूद है और वो वाटर के साथ सोल्यूशन बनाया है तो उसको हम लोग कहते हैं एक्वस सोल्यूशन। और लिक्विड मोल्टन फॉर्म हो सकता है, जैसे वाटर है तो वो भी लिक्विड है, तो वो लिक्विड फॉर्म हो सकते हैं। तो बहुत सारे सब्सटेंसेस लिक्विड के रूप में मौजूद होते हैं, या किसी चीज को अगर हम लोग मेल्ट कर दे तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विफाइड हो जाएगा, लिक्विड के रूप में आ जाएगा। तो ये चार स्टेट्स होते हैं। तो अगर हम एलिमेंट्स के नीचे इन चारों स्टेट्स के छोटे छोटे सिंबलाइज कर दें, एस एल जी या ए क्यू लिख दें, तो उसके बारे में हमें जानकारी मिल पाएगी कि वो किस स्टेट में किसी केमिकल रिएक्शन में भाग ले रहा है, ये हमें पता चल जाएगा। दूसरा होता है बाय इंडिकेटिंग द हीट चेंजेस। अब कोई भी केमिकल रिएक्शन होते हैं तो उस केमिकल रिएक्शन में या तो हीट देने की जरूरत पड़ती है, उसको गर्म करते हैं, या किसी केमिकल रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस होता है। जैसे हम लोगों ने वहां पे रिएक्शंस देखे थे कि क्विक लाइम को स्लैक लाइम में जब कन्वर्ट करते हैं, वाटर ऐड करते हैं, तो वो गर्म हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हीट चेंजेस आ रहे हैं, टेम्परेचर में चेंजेस आ रहे हैं, तो उस आधार पे हम हीट चेंजेस को इंडिकेट कर सकते हैं एरो के ऊपर में। और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या लिख देते हैं वहां पे लिख देते हैं हीट, हीट एनर्जी या एनर्जी या हीट एनर्जी, कुछ भी हम लोग इंडिकेट कर सकते हैं। तो ये कहां इंडिकेट करेंगे, ये या तो प्रोडक्ट साइड में करेंगे या रिएक्टेंट साइड में करेंगे। तो उस आधार पे जो केमिकल रिएक्शन हमारे होते हैं ये दो तरीके को होते हैं। एक को कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, और एक को कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं, एंडोथर्मिक जिसको कंप्लीट होने के लिए हीट की जरूरत होती है। जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं, अभी आगे इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे अलग अलग तरीके के रिएक्शंस के बारे में, जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होते हैं उनको हम लोग कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी उसमें हीट की जरूरत होती है। अब जैसे फोटोसिंथेसिस है, तो फोटोसिंथेसिस में हीट एनर्जी की जरूरत होती है, सोलर एनर्जी की जरूरत होती है, तो वहां पे वो रिएक्शन कैसा होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। जैसे देखते हैं CaCO3, यानी यह है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर गर्म करते हैं, हीट अप करते हैं, तो ये क्या बना देता है, CaO और CO2 बना देता है। ये अपने कंपोनेंट में टूट जाएगा, ये क्विक लाइम हो गया, यानी कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया, तो इसको हीट देना पड़ा। यानी इस रिएक्शन को होने के लिए हीट एनर्जी की जरूरत होती है, तो यहां पे हीट एनर्जी इन्वॉल्व है, इसलिए इसको कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, अब इसी में आ जाता है आपका फोटोसिंथेसिस। एंडोथर्मिक रिएक्शन में आते हैं फोटोसिंथेसिस। अब जानते हो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, और ये सब कब, जब एनर्जी रहेगी इन द फॉर्म ऑफ द सोलर एनर्जी, क्लोरोफिल मौजूद रहेगा। तो ये क्या बना देंगे, ये बना देंगे C6H12O6 बनेगा और ऑक्सीजन गैस बाहर निकलेगी। तो ये फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है। तो ये भी कैसा एक रिएक्शन है, ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं, द रिएक्शन इन विच हीट इवॉल्व, कह रहे हैं कि वो रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व होते हैं, हीट बाहर निकलती है, एनर्जी बाहर निकलती है, तो उसको हम लोग कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं उसको। तो वो केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट एवोल्यूट होता है, जिसमें हीट का फॉर्मेशन होता है, उसे हम लोग कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसमें अब देखिए हीट का प्रोडक्शन हो रहा है, हीट कैसे फॉर्म हो रहा है, तो जो भी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होते हैं, यहां पे मैंने आपको बताया कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में सारे के सारे हमारे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आ जाते हैं, जिसमें डिकम्पोजिशन होता है, यानी कोई एक मेन सब्सटेंस टूटता है तो उसके लिए हीट की जरूरत होती है। अब यहां पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आ जाते हैं। एग्जांपल है हमारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो यहां पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन आ जाते हैं, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब जैसे रेस्पिरेशन की ही बात कर ले, तो रेस्पिरेशन में हम क्या देख रहे हैं,
रेस्पिरेशन में देख रहे हैं कि उसमें हीट इवॉल्व हो रहा है। तो रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है, अगर इसी रिएक्शन को उल्टा कर दे तो वो हमारा रेस्पिरेशन का हो जाएगा, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाटर जो है इवॉल्व हो रहे हैं और एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है। तो एनर्जी अगर हम लोग लिखते हैं प्रोडक्ट साइड में तो इसका मतलब क्या है कि उसमें हीट एवोल्यूट हो रहा है। तो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में क्या है, C6H12O6+O2 ये मिल करके क्या बना रहे हैं, ये बना रहे हैं CO2+H2O+ एनर्जी। तो ये एनर्जी कहां लिखा हुआ है, प्रोडक्ट साइड में। आप देख रहे हो कि प्रोडक्ट साइड में एनर्जी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और अगर यही हीट एनर्जी अगर रिएक्टेंट साइड में लिखा हो तो इसका मतलब है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक होते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन जितने भी होते हैं वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। तो इस तरीके से एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन को पहचान पाएंगे। एक ही एग्जाम्पल याद रखने की जरूरत है आपको, फोटोसिंथेसिस। ये रिएक्शन याद रहेगा तो इसी को उल्टा कर देंगे तो वो रेस्पिरेशन हो जाएगा, वो एक्सोथर्मिक हो जाएगा, और जो एंडोथर्मिक होगा वो फोटोसिंथेसिस होगा। तो इजिली हम लोग एग्जाम में भी बहुत ज्यादा हमें याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तीसरा जो है हमारा वो है कंडीशन ऑफ रिएक्शन, यानी कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसके लिए कोई कंडीशन जरूरी है। जैसे यही अगर रिएक्शन अगर हम देखें फोटोसिंथेसिस का, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, एनर्जी है, लेकिन क्लोरोफिल का होना जरूरी है। जब तक क्लोरोफिल नहीं होगा हम कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी मिला करके फूड प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लोरोफिल का होना जरूरी है। तो वही कंडीशन ऑफ रिएक्शन कह रहा है कि किसी भी रिएक्शन को होने के लिए, किसी रिएक्शन को होने के लिए किसी सब्सटेंस की जरूरत होती है, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, कैटलिस्ट कहते हैं। तो तीसरा है हमारा कंडीशन ऑफ रिएक्शन, कंडीशन ऑफ रिएक्शन। कंडीशन ऑफ रिएक्शन में कई बार हमें कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है। कैटलिस्ट क्या होते हैं, जो किसी केमिकल रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं, तो उनको हम लोग कहते हैं कैटलिस्ट। जैसे अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अगर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो निकिल के प्रेजेंस में अगर उनको हीटअप किया जाए, अगर गर्म किया जाए, तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो निकिल है वो इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए जरूरी है, यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करने के लिए जरूरी है। लेकिन इसका कोई भी अंश इस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमें देखने को नहीं मिलेगा।